एक पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि गांव वालों ने हम पर झूठे आरोप लगाकर हमारा हुक्का पानी बंद कर दिया है, हमसे गांव में कोई बात नहीं कर रहा है और ना ही हमारी दुकान से सामान लिया जा रहा है। ये मामला राजनंद गांव का है, जहां तिलैरवार गांव के रहने वाले विकास सिंह और उनके परिवार ने राजनंद गांव कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर न्याय दिलाने की गुहार लगाते हुए कलेक्टर के नाम पत्र लिखकर डिप्टी कलेक्टर को सौंपा। विकास सिंह के पिता ने बताया कि मेरा बेटा गांव में ठेले पर अंडा और मंगोड़ी बेचता है, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उस पर शराब बेचने और पिलाने का आरोप लगाया, जो कि पूरी तरीके से निराधार है। शराब पिलाए जाने का मामला अभी तक साबित नहीं हो पाया है, बावजूद इसके गांव के लोगों ने हमारे पूरे परिवार का बहिष्कार करते हुए हमारा गांव से हुक्का पानी बंद कर दिया है। वहीं पीड़िता की मां उषा सिंह ने कहा कि गांव वाले हमारे साथ भेदभाव कर रहे हैं। ये मेरा लड़का जो है गांव में अंडा रोल मुंगेड़ी का दुकान चलाता है और गांव के देवनारायण मरकाम द्वारा झूठा आरोप लगाया गया कि ठेला में दारू बेचता है करके, और सिद्ध नाक करने पर देवनारायण को 11,000 रुपया दंड लिया गया। उसके बावजूद भी गांव समिति के अध्यक्ष और अन्य लोगों के कहने पर मुझे गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। मेरा रोजी रोटी लेन देन गांव से पूरा बंद कर दिया गया है। आवेदन दिए थे तुमड़ी बोर थाना में लिखित में सोमवार को, तो वहां कुछ कार्रवाई नहीं किया गया, इसलिए हम लोग यहां कलेक्टर महोदय जी के पास आए हैं। गांव में लेन देन के लिए समस्या आ रहा है, राशन के लिए समस्या आ रहा है, साग भाजी के लिए समस्या आ रहा है, दो जने का तबियत खराब है, उन लोग के दवाई गोटी लेने के लिए समस्या आ रहा है। दुकान में भी जाएंगे तो सामान वगैरह कुछ नहीं देते हैं, सब नल में जो पानी भरने आते थे उन लोग भी नहीं आ रहे, हम लोग भर रहे हैं। अब शक्कर लेने जाओ, कुछ भी लेने जाओ तो बंद हाका पर है, हम लोग सामान नहीं देंगे ऐसे। वहीं इस मामले को लेकर डिप्टी कलेक्टर इंदिरा देहरी ने कहा कि विकास सिंह और उनके परिवार द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उनकी शिकायत है कि शराब पिलाने के मामले में गांव से उनको बहिष्कृत कर दिया गया है। इस मामले की जांच करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी, अभी जो है विकास सिंह पिता भानु प्रताप सिंह ग्राम तिलई रावाड़ तहसील डोंगर गांव के जो परिवार है वो आया था। उनकी ये शिकायत है कि उनको शराब पिलाने के मामले में कि गांव से बहिष्कृत कर दिया गया है। तो उन्होंने जो आवेदन दिया है तो अब उनके द्वारा जो की गई शिकायत है वो वाकई में सही है या नहीं है या क्या मामला है, इसके संबंध में जो संबंधित SDM होंगे और जो पुलिस अधिकारी होंगे उनको पत्राचार किया जाएगा, वो देखेंगे मामले को। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।